रविवार को देश में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां देश की पूरी आबादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना वायरस के बचाव के लिए जनता कर्फ्यू के रूप में अपने घरों में कैद नजर आई। वहीं जनपद मथुरा की छाता कोतवाली पुलिस भी अपने फर्ज को निभाते हुए सड़कों पर गश्त लगाती हुई नजर आई। अपनी सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक किया। क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन और छाता एसओ क्षेत्र में गश्त करते हुए नजर आए। जहां पर भी उनको कुछ लोग नजर आए, उन सबको कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए और उन सभी से घरों में रहने की अपील की गई। वहीं शाम को 5 बजते ही लोगों द्वारा घरों से बाहर निकलकर या छत पर खड़े होकर बर्तन बजाकर या जो भी उनके हाथ में था उसे बजाकर उन लोगों का धन्यवाद किया गया, जिन्होंने संकट की घड़ी में जनता की सेवा में जुटकर अपनी अभूतपूर्व सेवा दी है। वहीं क्षेत्र की पुलिस द्वारा भी 5 बजे सायरन बजाकर सभी को अपने अपने घरों के बाहर आकर या छतों पर आकर एक सुर में एक साथ किसी भी तरह की ध्वनि निकालकर एक करने की कोशिश की। कर्फ्यू के दौरान पुलिस की क्या अहम भूमिका रही? आज जनता कर्फ्यू के दौरान आम जनता का बहुत सहयोग रहा और उन्होंने जनता कर्फ्यू के जो निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए थे उसका पूरा पालन किया उन्होंने, और सभी तरीके से दुकानें और बाकी जो प्रतिष्ठान थे सब बंद रहे। और उसमें जो सबसे अच्छी बात ये रही कि बच्चे भी खासकर बड़े बूढ़े सभी लोगों ने पूरा उसका अच्छे तरीके से पालन किया। सर, पब्लिक के लिए और भी कोई ऐसा कोई निर्देश हो? आम छाता सर्किल की जनता से पुलिस की तरफ से यही अपील है कि वो इस मुश्किल घड़ी में कोरोना से बचने के लिए अपने आप को आइसोलेट रखें और जितना हो सके उतना कम निकलें और एक जगह पे 5 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे ना हो, क्योंकि जब ज़्यादा आदमी इकट्ठे होंगे तो उसमें इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक ही जगह पे अगर 5 आदमी इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से एक दूसरे को टच करना ये सब चीज़ें ना हो, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है एक आदमी की दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 5 से 6 मीटर की दूरी बनी रहे, वो सब जो नॉर्म्स हैं जो भारत सरकार ने सोशल मीडिया पे डाले हैं उन सबको सब लोग फॉलो करें, जिससे कि ये जो कोरोना का वायरस है ये और ज़्यादा ना फैले और सभी इसके अंदर अपनी सहभागिता निभाएं। सर, कोरोना वायरस के कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, सर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस का काम है, डॉक्टर्स का काम है कि अगर कोई कोरोना से संबंधित कोई भी क्वेरी आती है या बताया जाता है कि भाई वहाँ पे कोरोना का पेशेंट है तो एहतियातन पुलिस भी जाती है, वहाँ पे एम्बुलेंस भी जाती है, डॉक्टर्स भी जाते हैं और चेक कर लिया जाता है कि किसी जिस व्यक्ति के लिए लोगों ने बताया है, जिस व्यक्ति की शिकायत आई है कि इसको कुछ संदिग्ध लक्षण हैं कोरोना के, तो उसको चेक कर लिया जाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि किसी को उस तरह के लक्षण हो और उससे वो आगे चीज़ फैल जाए। प्रिकॉशन के तौर पर, सावधानी के तौर पर उसको क्रॉस चेक कर लिया जाता है।